हमने दुनिया जीत ली लेकिन अर्थ गवा दी। थैनोस के पायरेट्स और उसके चोरों ने हमारी दुनिया कब्जे में कर ली, जैसे कि कोई पैरासाइट किसी होस्ट के साथ करता है। और यही बैरिकेड बना हमारे घर के तरफ का, और इसने हमें हमारे घर के अंदर आने से रोके रखा। लेकिन अब वक्त आ चुका था कि उसे गिराया जाए, और हम उसे गिराने चल पड़े। और तब हम देखते हैं पीक पर, जहाँ पर सुपर स्क्रल, ग्लैडिएटर, अनाइलस और रोनन सभी लोग ब्लैक ड्वार्फ को मार रहे थे, और आखिरी फाइनल ब्लो करते हुए रोनन ब्लैक ड्वार्फ को हरा देता है। और इसी के साथ उन्होंने उस बैरिकेड को तोड़ दिया था, और यह सब उन्होंने किया था अर्थ के लिए। और तब हम देखते हैं एक स्पेस शटल को अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ते हुए, और वो क्रैश होता है। और जैसे ही वो क्रैश होता है, तभी उसमें से आवाज़ आती है कि अच्छा हुआ कि हम अभी भी वन पीस पर है, वरना मुझे तो लगा था कि हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। और तब हम देखते हैं एवेंजर्स को, जो कि उस स्पेसशिप से बाहर निकल रहे थे, जहाँ पर कैप्टन कहते हैं, देखो कैरोल, ये हमारा घर है, हमारी अर्थ, और अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ पर उतरते ही कैप्टन कहते हैं, जैसा कि टारगेट हमें पता है, जिसकी लोकेशन हमें आयरन मैन ने दी है, तो यहाँ से थैनोस साउथ वेस्ट की तरफ है 220.25 डिग्री पर, और लगभग यहाँ से दूरी 52 माइल्स की होगी हाइपीरियन। और इतना सुनते ही हाइपीरियन कहता है, हाँ मैंने देख लिया, वहाँ पर लगभग 5 लाइफ फॉर्म्स है और एक कंटेनमेंट फील्ड में। तब कैप्टन कहते हैं कि हाँ वो उसका बेटा होगा, और वो हल्क को बताते हैं कि तुम आगे जाओ और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो। तब हल्क वहाँ से जा ही रहा था कि तभी थॉर कहता है कि पहलवान हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना। द पीक अर्थ के ऊपर, जो कि हेडक्वार्टर था सेंटेड वर्ल्ड के रिस्पांस डिपार्टमेंट का, जहाँ पर स्मैशर और बाकी हीरोज लड़ रहे थे। लेकिन वो लोग जिससे लड़ रहे थे वो रिट्रीट करने के फिराक में थे, और उनके वहाँ के बर्ताव से यही लग रहा था कि वो लोग रिट्रीट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एवेंजर्स श्योर नहीं थे, इस वजह से वो उन पर अटैक किए जा रहे थे। वकांडा नेक्रोपोलिस में, चूंकि हेडक्वार्टर था इल्यूमिनाटीज का, लेकिन अब वो कंट्रोल किया गया था सुपर जेंट के जरिए। जहाँ पर अंदर घुसते हुए ब्लैक पैंथर कहता है, ऐसा लगता है कि यह फुट सोल्जर का आखिरी वाला था, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इन्हें कंट्रोल किया लगता है। तब रीड कहता है, हाँ क्योंकि ये वेव्स में एटोमेटॉन्स की तरह बिहेव कर रहे थे। तो देखते हैं कि टोनी को क्या मिला है, और जब वो अंदर जाते हैं तब टोनी उस लैब को खोलने में कामयाब हो चुका था। जहाँ पर पहुँचते ही हैंक पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला है टोनी, बॉम या और कुछ, तुम्हारे सूट से कोई मैसेज मिला? तब वो कहता है, उम्मीद करो कि हमें ज़्यादा देर ना हुई हो। और जैसे ही गेट खुलता है तब हम देखते हैं ब्लैक बोल्ट और सुपर जायंट को। जहाँ पर सुपर जायंट कहती है कि लेट किसके लिए, लेट उस चीज़ के लिए जो अभी भी मैंने इस किंग के कानों में कहा, या फिर उस बॉम्ब के लिए जिसका पता मुझे किंग ने बताया, या फिर तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए। और वो आगे कहती है कि बताओ उन्हें इनह्यूमन किंग कि उन्हें लेट हुआ है या नहीं। तभी नेमर सबको पीछे करते हुए कहता है कि उसके पास माइंड कंट्रोल है और उसने उसे कब्जे में कर लिया होगा, बीस्ट पीछे हटो। लेकिन तब तक उन पर वार हो चुका था क्योंकि ब्लैक बोल्ट ने अपनी आवाज़ की तबाही मचा दी थी। यहाँ पर जैसे ही ब्लैक बोल्ट उन पर चिल्लाता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज आगे आते हुए कहते हैं, ब्लैक बोल्ट रुक जाओ। और वो कहता है कि तुम थैनोस की सर्वेंट, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस तरह की एक पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि उस पावर को कंट्रोल किया नहीं जा सकता। और तभी आगे बढ़ते डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुमने सारी हदें पार कर दी है, तो अब तुम वो देखोगी जो हद टूटने के बाद होता है। और तब एक स्पेल कास्ट करते हुए वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। इनह्यूमन की हिडन सिटी ओरलान, जहाँ पर कर्वस कहता है कि हमारा ब्लैक ड्वार्फ और पिक के एजेंट्स के साथ कनेक्शन टूट चुका है मास्टर, लगता है ह्यूमन हीरोज वापस आ चुके हैं अपने सपोर्ट के साथ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तब थानोस कहता है, क्या तुम्हें केओस पसंद नहीं है कर्वस?
उन क्रीचर्स को यहाँ पर आने दो, वो क्या कर लेंगे, वो सिर्फ अपने मेटल्स के साथ और अपनी कुछ बातों के साथ मुझे हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने सन को मारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हर एक लाइफ नॉइस पैदा करती है और मैं इस वजह से खुश हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन तभी थानोस देखता है कि कुछ चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी और वो कहता है, आखिर वो है क्या। और जैसे ही वो चीज पास आती है तब हम देखते हैं कि वो हल्क था, लेकिन थानोस इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो एक ही पंच में हल्क को पीछे गिरा देता है। तब वो कहता है कि तुमने वो देखा करो बस। सभी लाइफ फॉर्म्स नॉइस पैदा करती है और ये लाइफ सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए है, तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसे डाइवर्जन के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। और वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इस बीस्ट को मार दोगे। तब प्रॉक्सिमा और करवस दोनों ही आगे बढ़ते हैं उसे मारने के लिए और वो कहता है कि याद रखना कि इसे तकलीफ हो। यहाँ पर वो दोनों उससे लड़ ही रहे थे कि तभी प्रॉक्सिमा अपना स्पीयर उसकी तरफ फेंकती है और वो बताती है कि ये स्पीयर फॉर्ज किया गया है एक सन को ट्रैप करके और ये डिस्टॉर्शन के लिए बना है। ये स्पेस टाइम में कैद था, ये किसी एक स्टार की तरह लाइफ फॉर्म क्रिएट कर सकता है और कंज्यूमिंग कर सकता है सुपरनोवा की तरह। और थानोस को जब यह मिला तब थानोस ने बनाने वाले से इसे छीन लिया और मुझे दे दिया और अब मैंने इसे तुम्हें दे दिया है। और तब हम देखते हैं हल्क को बड़ी ही तकलीफ में क्योंकि वो हथियार एक पूरे सन की पावर को अपने अंदर समेटे हुए था। यहाँ पर करवस उसे और तकलीफ देते हुए कहता है, तो देखो इसकी सुपर डेंस स्किन को जो करवस के इस ब्लेड की धार को सह नहीं पाई। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट कर धधकती आग के ऊपर लटका दूंगा। और तभी कैप्टन की शील्ड आकर लगती है उसे और यहाँ पर थानोस समझ जाता है कि एवेंजर्स आ चुके थे और वो देखता है कि ये सच था क्योंकि एवेंजर्स वहां पर पहुंच चुके थे। नेक्रोपोलिस, यहाँ नेक्रोपोलिस में कुछ टेंटिकल्स के साथ और अपने स्पेल्स के साथ ब्लैक बोल्ट से डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ रहे थे और यहाँ पर ब्लैक बोल्ट को आपे से बाहर होता देखकर रीड रिचर्ड सुपर जायंट और ब्लैक बोल्ट दोनों को ही लपेट लेता है और टचाला से कहता है कि ये अभी करो। तब वो कहता है लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो कहता है कि करो और तभी एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ नीचे गिरने के बाद ब्लैक पैंथर कहता है कि पागल मत बनो, ये मत करो, बस कुछ ही सेकेंड के बाद ये सब कुछ तबाह हो जाएगा। तब सुपर जायंट उसकी तरफ जाते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि मैं थानोस को कहाँ मिली थी, मैं एक ऑर्फनेज में मिली थी और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ये था कि थानोस अपने बेटों को एक के बाद एक मार रहा है, अपने सारे बच्चों को वो मेरी आंखों के सामने मार दे रहा है और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मुझे भी बदले में यही मिलेगा और मैं थानोस से इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी। हम यहाँ पर आए थे थानोस की आखिरी संतान को मारने के लिए और जब ये कंप्लीट होगा तब मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए था और सालों की तलाश के बाद मुझे ये आखिरी मौका मिला है। और यहाँ पर वो उस बॉम्ब को चार्ज कर रही थी। ओरोलान, जहाँ पर इबोनिमा कह रहा था, तुम्हें देख रहे हो तुम्हारा आखिरी चांस, जो कि ये ह्यूमन हीरोज थे अर्थ के, वो भी यहाँ पर पिट रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें थानोस से बचा पाएंगे। और तब हम देखते हैं कि उस स्पीयर को बाहर निकालते ही हल्क फिर से बैनर में कन्वर्ट होने लगता है। तब वो कहता है कि तुमने ये कैसे किया। तब वो उसे मारते हुए कहती है कि मैं इससे भी बहुत बुरा कर चुकी हूँ। यहाँ पर इगुनमाओ कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम जिस तरह से जी रहे थे उस तरह से जीना तुम्हारी डेस्टिनी में था। नहीं, तुम लाइफ तबाह करने के लिए बने थे। तुम उसके बेटे थे जो मौत को पूछता है, जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ पर एवेंजर्स पूरी तरह से पिट रहे थे और इबोनिमाओ कह रहा था, तुम्हें लगता है कि यूनिवर्स तुम्हें किसी तरह से इसका रिवॉर्ड देगा, क्योंकि तुम होप में बिलीव करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक नोबल प्राइज मिलेगा इसके लिए। तो मेरी बात सुनो, कि सब होप थानोस के आगे आकर घुटने टेक देती है। नेक्रोपोलिस, जहाँ पर बॉम्ब फुली चार्ज हो चुका था और सुपर जायंट उसके फटने का इंतजार कर रही थी और वो बता रही थी कि इसका मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है और जो इन्फॉर्मेशन मैंने इन्यूमन किंग के दिमाग से निकाली थी उसके हिसाब से अब इसे डिटोनेट होने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है।
और तभी हम देखते हैं उस ट्रिगर को लिए बेटा मैक्सिमस, जो कहता है तुम्हें पता है कि ये थोड़ा क्रेजी है, लेकिन अगर जिस चीज का अंडरवे डिजाइन मैंने तैयार किया हो और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें इन्वेस्ट किया हो, उसे चुराना इतना आसान नहीं है और उसे चलाना तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी वो कहता है कि ये रहा तुम्हारा ट्रिगर, और ट्रिगर दबाते हुए वो कहता है कि वो एक बात बताना भूल गया है कि इस कमरे में मोस्ट डेंजरस थिंग थी वो, और तब हम देखते हैं कि लॉक जॉ वहां पर टेलीपोर्ट हो चुका था और वो उस बॉम्ब और सुपर जायंट को लेकर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, और वहां से हम एक बहुत बड़े धमाके को देखते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स आपके पास है तो भी मुझे कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।